सुबह की तेज धूप थी और फुटबॉल का मैदान सूरज की पीली किरणों से चमक रहा था। ये देखकर पास के लड़कों के एक समूह ने फैसला किया कि हम एक फुटबॉल मैच खेलेंगे और हम इसे प्रत्येक मैच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ चीजें ला सकते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग मैदान पर जमा हो गए और टीमों को चुनने लगे। जल्द ही इस बात को लेकर थोड़ी बहस होने लगी कि टीम कौन चुनेगा। उन्होंने तय किया कि जो व्यक्ति खेल खेलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु लाया है वही टीम चुनेगा। तो समय बीतता गया और वे तय नहीं कर पाए कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है। फिर उन्होंने फैसला किया कि वे लड़कों द्वारा खरीदी गई सभी वस्तुओं के साथ खेल खेलना शुरू कर देंगे और एक एक करके वस्तुओं से छुटकारा पाएंगे और अंत में देखेंगे कि खेल खेलने के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। खेल तो शुरू हुआ। वे उनके साथ लाए गए सारे वस्तुओं से छुटकारा पाए। जब वे खेल खेल रहे थे, एक पिता और पुत्र पास से गुजर रहे थे। ये देखकर पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, लड़कों को देखो और बच्चों से सीखो। फुटबॉल के बिना वे फुटबॉल खेलने का प्रबंधन कर रहे थे, भले ही वे उन वस्तुओं के साथ खेलकर खेल में सुधार करने में सक्षम नहीं थे। कहानी का नैतिक यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि हमारे जीवन में हर किसी का एक व्यक्तिगत लक्ष्य होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है ना, वह है अपनी टीम का लक्ष्य। जब आप एक टीम के रूप में काम करते हैं तो अपने व्यक्तिगत गौरव और अहंकार को अलग रखना चाहिए और टीम के लक्ष्यों की दिशा में काम करना तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।